हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आप अच्छे, हम भी फिट, बिल्कुल मस्त। तो देखिए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर यानी शिक्षा सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, समझे कि नहीं? तो देखिए, हमारा जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर चल रहा था, उसका चार लेक्चर आपको हम करवा चुके हैं, चार वीडियो हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषाओं से समझाया गया है, ठीक है? तो देखिए, आज का जो मेरा लेक्चर है खास होने वाला है, क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद कल से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, समझे कि नहीं? साथ ही साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के जीरो लेवल से भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपका, ठीक है? तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, ठीक है? रेडी हो जाइए। तो देखिए, समझिएगा ध्यान से, ये चौथा है ऑपरेटिव सेंटेंस। इसके पहले आपको तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस बता चुके हैं। इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे ऑर्डर, कमांड यानी आज्ञा, आदेश, या तो एडवाइस सलाह का भाव प्रकट हो, या रिक्वेस्ट यानी आग्रह या तो विनती का भाव प्रकट हो। यानी ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट के भाव प्रकट करने वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। आपको बताया गया था क्लोज द डोर ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया, लव योर कंट्री अपने देश से प्यार करें एडवाइस वाला सेंटेंस हो गया, प्लीज गिव मी योर पेन ये क्या हुआ? रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया। रिक्वेस्ट वाला बताए थे प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं सामान्यतः, उस तरह के सेंटेंस को हम रिक्वेस्ट वाला इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, समझे कि नहीं? तो चलते हैं आज आज चौथा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जैसा कि शब्द में ही जुड़ा हुआ इच्छा सूचक, वास्तव में इच्छा का बोध कराता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और तरह के वाक्यों का ही बोध कराता है। ध्यान से देखेंगे क्या होता है इच्छा सूचक वाक्य। जो ध्यान दीजिए, वैसा वाक्य जिससे कर्ष यानी अभिशाप, किसी को श्राप देना हो, ब्लेस यानी आशीर्वाद, प्रे यानी प्रार्थना, या विष यानी इच्छा, किसका किसका भाव प्रकट करता है? ध्यान से देखिएगा, अभिशाप हो गया, आशीर्वाद, प्रार्थना और इच्छा, यानी वैसा सेंटेंस जिससे अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव प्रकट होता है उसे हम, समझे ध्यान से, वैसा वाक्य जिससे अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना और इच्छा का भाव प्रकट होता है उस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मेरे प्यारे छात्र, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल फिर से, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा वाक्य जिससे अभिशाप, इच्छा, प्रार्थना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उस तरह के वाक्य को हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ये तो और डिफिनेशन। अब हमें देखना है कि अंग्रेजी वाला अगर वाक्य कहीं लिखा रहेगा तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, क्योंकि मेन हमें पहचानना ही तो है ना, अंग्रेजी में लिखे हुए वाक्य को हमें पहचानना ही तो है कि लिखा हुआ सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी है या तो ऑप्टेटिव है, वही तो हमें ध्यान देना है। देखिए इसका पहचान क्या है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान दिया दीजिएगा, हमेशा अंग्रेजी वाला वाक्य में हमेशा मे से स्टार्ट रहते हैं। हमेशा किससे स्टार्ट रहेगा? मे से, एम ए वाई, मे से स्टार्ट रहता है और अंत में ध्यान देना, अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। यहां पर कुछ और मार्क्स होंगे जिसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक ऐसा होता है इस तरह का, ऐसे करके जैसे आप पूर्ण विराम देते हैं ना हिंदी में, पूर्ण विराम दे करके नीचे में कैसे करके पॉइंट डाल दीजिए, है कि नहीं? वो बन गया आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, यानी इस तरह से रहेगा आपका। फिर से देखिए, हमेशा मे से स्टार्ट रहेंगे अंग्रेजी वाला वाक्य में, हमेशा जो कोई भी सेंटेंस यदि मे से स्टार्ट है, समझे कि नहीं? मे से स्टार्ट है, मे से स्टार्ट होना और साथ ही साथ अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का होना जरूरी है, तब उस तरह के सेंटेंस को आप क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों,
देखते हैं कुछ एग्जांपल से देखिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या होता है? मे यू लिव लॉन्ग यानी आप आपकी उम्र जो है, आपकी जो उम्र है वो लंबी हो। इसका मतलब है मे यू लिव लॉन्ग का मतलब होता है आपकी उम्र लंबी हो। तो बताइए क्या क्या दिया जा रहा है, ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो। आशीर्वाद दिया जा रहा है तुम्हारी उम्र लंबी हो, आशीर्वाद। जैसे मम्मी जी कहते हैं ना कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, या तो पंडित जी वगैरह तुम्हारी उम्र लंबी हो, यानी वो आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ किसका भाव प्रकट हो रहा है, आशीर्वाद का। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर मे से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। अंत में क्या दिख रहा है आपका, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिख रहा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी से किसका भाव प्रकट हुआ, ब्लेस्ड का भाव प्रकट हो रहा है, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ, वैसा वाक्य जिससे अभिशाप आशीर्वाद प्रार्थना इच्छा। देखिए आशीर्वाद का भाव प्रकट हुआ कि नहीं, कौन सेंटेंस हो गया आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला देखिए, मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। मेरी इच्छा है कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्या कहा जा रहा सेंटेंस से, मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ये मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि तुम्हें सक्सेस मिले, यानी सफलता प्राप्त हो, सफलता मिले। समझे कि नहीं, देखिए किसका भाव प्रकट हो रहा है, विश्व का इच्छा, इच्छा यहाँ पर जताया जा रहा है। इच्छा का जैसे ही भाव प्रकट हो वो किस प्रकार का वाक्य हो जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अब डायरेक्ट देखकर कैसे पहचानेंगे, देखिए मे से स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा, और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, बताइए किस प्रकार का वाक्य हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑलवेज ऐसे ही पहचाना जाता है, बिल्कुल देख करके आप पहचान सकते हो कौन सेंटेंस है जो। अगला देखिए, मे यू डाई, मर जाओ, कह रहा कि तुम मर जाओ, इस श्राप दिया है, नहीं कहते कि तुम जाओ खत्म, तुम मर जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल्दी बूढ़ा हो जाओ, कि तो तुम जल्दी बुढ़ी हो जाओ। ये क्या है, श्राप का भाव प्रकट, हम आप सबको नहीं दे रहे, मतलब कि अगर देना हो है ना, मरने होने के सीधे मेरा आशीर्वाद, मतलब कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल्दी बुढ़ा हो जाओ, बस इतना कहना। देखिए मे यू डाई, तुम मर जाओ, ये श्राप दिया जा रहा है, कर्ष दिया जा रहा है। देखिए अभिशाप का भाव प्रकट हो रहा है, जैसे अभिशाप का भाव प्रकट हो कौन सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य होता है। समझ रहे कि नहीं, अब देखिए डायरेक्ट देख करके कैसे पहचानेंगे, मे से स्टार्ट है आपका, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिया हुआ है, मे से स्टार्ट है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिया हुआ है, कौन सेंटेंस हो गया आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, क्लियर है। आगे देखिए, मे गॉड सेव द किंग, कहा जा रहा है यहां पर कि भगवान राजा की रक्षा करे, भगवान राजा की रक्षा करे। अब बताइए भगवान से हम क्या कहते हैं, इच्छा जताते हैं, श्राप देते हैं, बताइए आशीर्वाद देंगे भगवान को, नहीं प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु राजा की जो है ना इच्छा, मतलब कि बचाइए, सेव कीजिए, रक्षा कीजिए, इन्हें कहते हैं। तो यहां पर हम प्रिय प्रार्थना करते हैं, भगवान से हमेशा प्रार्थना किया जाता है, समझे कि नहीं। तो एक और याद रखिए, जैसे ही गॉड हो सेंटेंस में, समझेगा वो प्रे का ही भाव प्रकट करेगा। पता है हम ऐसे भी क्यों लिखे, क्योंकि जब आप नरेशन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, नरेशन जब आपको बताया जाएगा तो उसमें सेंटेंस को पहचानना होता है कि ऑपरेटिव सेंटेंस तो है, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है कि इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, कि अभिशाप का भाव प्रकट हो रहा है, कि प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, वो हमें पहचानना होता है। पहचानेंगे तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे सही से, क्लियर है। तो तब की बात है। अभी देखिए मे से स्टार्ट है, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिख रहा है, मे से स्टार्ट है, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिख रहा है, बताइए कौन सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य हो गया। मेरे प्यारे छात्र बिल्कुल लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको याद क्या रखना, वैसा सेंटेंस जिससे अभिशाप यानी कर्स, इच्छा यानी विष, आशीर्वाद ब्लेस्ड, या तो आपका प्रार्थना प्रिय का भाव प्रकट जिस प्रकार, जिस सेंटेंस से होगा वो कौन सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्लियर हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और बचा, आपको पांच प्रकार के सेंटेंस बताए थे, जिसमें से असर्टिव सेंटेंस हो चुका है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया, फिर इंपरेटिव सेंटेंस इसके पिछले वाला वीडियो में बताया गया, फिर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस चौथा हो गया, एक लास्ट बचा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या होता है जो विस्मयादिबोधक वाक्य,
किसे कहते हैं, ये किस प्रकार का होता है, देखते के साथ इसे हम कैसे पहचानेंगे, ये भी हम ध्यान से देखते हैं। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि वैसा वाक्य जिससे प्रायः, प्रायः मतलब हमेशा होता है, वैसा वाक्य जिससे हमेशा जॉय यानी हर्ष, हर्ष का भाव, हर्ष मतलब खुशी, खुशी का भाव प्रकट हो, सौरव दुख, अब खुश होंगे तो दुख में तो होना ही है, ज्यादा खुश होगा तो दुख भी आएगा ना आपके पास, तो देखिये सौरव यानी दुख का भी भाव प्रकट हो, सरप्राइज आश्चर्य का भाव प्रकट हो, आश्चर्य देख करके हाँ कितना बड़ा घर है, देखते कि नहीं कितना सुंदर लड़की है, लेकिन ऐसे ऐसे करते है ना, वो क्या है वहां पर सरप्राइज का भाव प्रकट हो रहा है, जिसे हम देखते नहीं, एक भाई देखते सरप्राइज, एंगर क्रोध का भाव प्रकट हो, गुस्सा करते कि नहीं ऐसे नहीं करना, गुस्सा का भाव होता है कि नहीं, गुस्सा का भाव प्रकट हो जिस सेंटेंस से, वो भी एक्सक्लेमेटरी का वाक्य होता है। अब देखिये रिग्रेट पछतावा होना, गुस्सा करके लड़ाई कर ली, पिटा पिट कर उसके बाद पछता रहे की बेकार उससे हम लड़े थे, उससे अच्छा से बोलते ना तो मेरा दोस्त होता है कि नहीं, अब नहीं लड़ेंगे, पछताते कि नहीं, कुछ ऐसा काम करते जिससे बाद में पछतावा होता है, तब पछताव वाला जो सेंटेंस एक प्रकार का जो वाक्य बनता है ना रिग्रेट वाला, वो भी किस प्रकार का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, समझे कि नहीं। तो इस तरह के अगर वाक्य हो यानी हर्ष यानी खुशी, दुख आश्चर्य, क्रोध पछतावा, इस तरह का अगर भाव किसी सेंटेंस से बोध होता है, इस तरह का भाव अगर किसी सेंटेंस से का बोध होता है तो समझियो किस प्रकार का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अब बात आता है कि पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस में यदि लिखा हुआ है तो उसको देख करके कैसे पहचाने, क्योंकि हमें मेन तो पहचान नहीं होता है ना, पहचान कर ही तो बताना हो कि हाँ देखो ये सेंटेंस है, पहचानेंगे तो हिंदी किस तरह से हो ही जाएगा, उसके बाद बता देंगे देखो खुशी का बाद हुआ ना, दुख का भाव प्रकट हुआ कि नहीं, आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ ना, वो बाद में देखा जाएगा। देखिए पहचान इसका बिल्कुल सिंपल, इस तरह के वाक्य सामान्यतः, इस तरह के वाक्य सामान्यतः किससे स्टार्ट होता, व्हाट या हाउ से स्टार्ट है, याद रखिए सामान्यतः मतलब ज्यादातर, ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होते हैं, ज्यादातर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो या तो व्हाट से स्टार्ट होगा या तो हाउ से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कुछ और से नहीं स्टार्ट होता, लेकिन ज्यादा मोस्टली सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वाक्य वाला व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है। अब बात आता है कि व्हाट या हाउ तो डब्ल्यूएच वर्ड है, समझे कि नहीं, व्हाट या हाउ किस प्रकार का वाक्य, डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस यानी डब्ल्यूएच वर्ड है, तो यहां पर आएगा तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही नहीं कहेंगे, तो समझिएगा ध्यान से, अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करेगा तो अंत में कैसा मार्क होना चाहिए, मार्क्स इंट्रोगेटिव मार्क्स होना चाहिए, प्रश्न यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाला चिन्ह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, यही तो ध्यान देना है, भाट या हाउ से तो स्टार्ट रहेगा लेकिन अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेंगे, यानी ऐसे वाला आपको दिखाई देगा अंत में, तभी आप उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, अन्यथा नहीं, वो बन जाएगा आपका या तो एडजेक्टिव बन जाएगा, या तो आप देखेंगे अगर क्वेश्चन मार्क है तो बनेगा आपका प्रोनाउन यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला वर्ड, समझे कि नहीं, तो अंत में भाट या हाउ से स्टार्ट रहेगा और अंत में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिखाई दे तो किस प्रकार का वाक्य रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। अब चलते एग्जाम्पल से समझते थोड़ा सा, देखिए पहला एग्जाम्पल है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हम रास्ता पर जा रहे हैं, जाने के बाद एक बार एकदम वो गलिया से वो लड़की निकली, फिर देखते के साथ के आ क्या एक लड़की है, हम देख करके मजा आश्चर्य हो गए, आ इतना अब तो फ्लाइट हो जाएंगे, मतलब ऐसा, तो वही बात है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या एक सुंदर लड़की है, थोड़ा एकदम जोर लगा के बोले क्या एक सुंदर लड़की है, एकदम आश्चर्य का भाव प्रकट होगा, एक बार देखेंगे, समझे कि नहीं, यहां पर किसका भाव प्रकट हो रहा, आश्चर्य का, कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया। आगे देखिए हाउ फास्ट द बेबी रन्स, करके कितना तेज दौड़ती है बच्चा, ये बच्चा जो है कितना तेज दौड़ती है, ये बच्चा कितना तेज दौड़ती है, समझे कि नहीं, ए सेंटेंस देखिए हाउ से स्टार्ट है कि नहीं, हाउ से स्टार्ट है, बाहर से, अंत में क्या दिख रहा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिख रहा, ये भी देखिए आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा, कितना तेज बच्चा दौड़ता है, कितना तेज बच्चा दौड़ता है, ये भी किसका भाव प्रकट कर रहा है, आश्चर्य का, क्रोध है, क्रोध का भाव होगा, बल्कि दुख होगा अगर तेज दौड़ेगा तो दुख होगा, खुशी हो सकता है कुछ हद तक कि वाह बहुत तेज दौड़ा बच्चा, तो मतलब तेज दौड़ रहा है कि नहीं,
आप पछतावा भी नहीं होगा, कोई दौड़ेगा तो हमारा पछतावे का ना आनंद वो भी नहीं हो सकता। यानी आश्चर्य का भाव प्रकट हो सकता है तो खुशी का भाव प्रकट हो सकता है। आगे देखिए, व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या जगह है यह, इट मतलब यह, यानी कहा जा रहा है कि क्या जगह है यह। हम कहीं घूमने गए, देखे एकदम, यानी फील्ड लिया तो किसी पार्क में गए, देखने के बाद आश्चर्य हो गए, वाह क्या जगह है यह, बिल्कुल आश्चर्य, यानी हमारे अनुभव से भी परे था वो जगह, तो हमने कह दिया कि व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या ये जगह है, बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। तो इस तरह के वाक्य भी आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है, तो कौन सेंटेंस हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ध्यान से, व्हाट से स्टार्ट है, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिख रहा है कि नहीं, कौन सेंटेंस हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और देखिए, व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल, क्या मूर्ख है, क्या मूर्ख है, समझे कि नहीं, ये भी एक प्रकार का सेंटेंस। देखिए व्हाट से स्टार्ट है, अंत में क्या आपका दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, तो कौन सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, समझे कि नहीं। अब देखिए एक और आता, नॉनसेंस, बदतमीज, बदतमीज, अगर ऐसे सिर्फ रहे, देखिए ये सभी मदद करेगा आपको कहां, जब आप नरेशन पढ़ेंगे तब, सेंटेंस को पहचान करके हमें वहां पर बनाना होता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नॉनसेंस, अंत में क्या दिख रहा है, इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, फर्स्ट बात यह हो नहीं ना है, तो ये भी सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का ही होता है, समझे कि नहीं। तो आशा करते हैं दोनों जो सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर देखा जाए एक बार तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, उस तरह के वाक्य जिससे इच्छा, अभिशाप, आशीर्वाद या तो प्रार्थना का भाव प्रकट हो, फिर से वैसा सेंटेंस जिससे इच्छा, अभिशाप, प्रार्थना, देखिए इच्छा, इच्छा हो गया आपका, अभिशाप हो गया, प्रार्थना, आशीर्वाद, ये सभी का भाव प्रकट हो तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हमेशा स्टार्ट रहेगा सेंटेंस में से, एम ए बाई से स्टार्ट रहेंगे और अंत में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिखाई देगा, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, इस तरह के वाक्य हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। इधर आइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, पछतावा, ये सभी का भाव अगर प्रकट हो, गुस्सा, क्रोध, ये सभी का भाव प्रकट हो तो कौन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या एक सुंदर लड़की है, व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या यह जगह है, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे छात्र, फिर से अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, धन्यवाद।